अरे यार, क्या तुम लोग ये सस्ती ढोमसन लेके घूमते रहते हो पूरे दिन। अभी ईवो गण का जमाना है सारो, वो खरीद लो। अरे बड़े भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम खरीद दो हमें। ठीक है, जाओ मेरे रूम की तिजोरी में से 20,000 रुपए लेते जाओ और ईवो गण खरीद लो। अबे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तू बहुत पैसे बिगाड़ रहा है। साले तेरे पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे, बता तो मेरे को, क्योंकि मैं तो इतने सारे पैसे तुझे देता नहीं हूँ। सासा मैं राइटर हूँ, बुक लिखता हूँ, माइंड योर ओन बिजनेस, समझे। अब मेरे को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना आदम सासा को मेरा कांड पता चढ़ जाएगा तो बहुत मारेगा। ये मेरे से भाग क्यों रहा है, दाल में कुछ तो काला है, पता लगाना पड़ेगा। अरे यार, कोई कार भी नहीं है इधर, मैं कैसे जाऊँ, सारा हिप्पू कार लेके सड़ा गया। अच्छा, तो ये नूबड़ा मेरे से बचने के लिए यहाँ छुपा है। चल सच बता, तू ऐसा क्या कर रहा है जो इतने सारे पैसे आ रहे हैं तेरे पास। सासा मारना मत तो बताता हूँ, मैं है ना लड़की बनकर हिप्पू को कॉल करता हूँ और उसे प्रपोज कर उसका बाबू बन गया। इसलिए जब भी मुझे पैसा चाहिए तब मैं हिप्पू को कॉल करके बोलता हूँ और वो बुद्धू भिजवाता भी है। अबे ये तो मस्त प्लान है, चल चल मुझे भी 50,000 चाहिए, हिप्पू को कॉल करके मंगवा ले। ठीक है सासा, अभी कॉल करता हूँ उसे। अरे भाई लोग, एक मिनट, कॉल आ रहा है, पक्का मेरी बाबू का होगा, देखना। ये लो बाबू का नाम लिया और बाबू कॉल पे हाजिर, एक सेकंड मैं बात करके आता हुआ। ओए अब तो इस बॉट को भी बाबू मिल गई, साला कैसे दिन आ गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे हौसला रख, अपने भी दिन आएंगे। बाबू क्या कर रहे हो, हम तो आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। अरे कुछ नहीं बाबू, आज सुबह मैं पिंकी के घर गई थी, फिर पता है क्या हुआ। ओ लो 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 लो, मेरे बाबू, क्या हुआ मेरे बाबू के साथ। बाबू वो पिंकी है ना, वो बहुत घमंडी हो गई है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। और बाबू उसकी ये हिम्मत, अभी कमिश्नर साहब को लेकर पिंकी के घर जाता हूँ, आपको न्याय दिलाऊंगा। पर बाबू उसने किया क्या ये तो बताओ। बाबू उस पिंकी ने नया आईफोन लिया है और आपको तो पता ही है मेरे पास नोकिया का फोन है, तो उसने सभी शहरियों के बीच में मुझे नीचा दिखाया। और बाबू उसने किया ये तो हम लड़कों के साथ भी होता है, डोंट वरी, इग्नोर करो। नहीं बाबू, मुझे आईफोन सही है और वो आईफोन आप मुझे दिलवाओगे, ओके। अरे मैं तो इसे बुद्धू समझ रहा था, पर ये तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकला। चिमकांडी, बचकर रहना पड़ेगा इससे। अरे पर मेरा बाबू, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं आपको कैसे दिलवाऊंगा आईफोन। नहीं 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 बाबू, मुझे तो सही है, वरना ब्रेकअप। अरे बाबू ऐसी बातें मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना खानदानी टॉयलेट भी बेच दूंगा। ठीक है तो चलो, मुझे 1,00,000 रुपए दो, मैं पिंकी के साथ जाके आईफोन खरीद लूंगी। ठीक है बाबू, मुझे कल तक का टाइम दो, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। ओके बाबू बाय, रखती हूँ, डैडी आ गए। ठीक है बाबू बाय, ख्याल रखना अपना। चलो सासा, कल 1,00,000 रुपए आ जाएंगे, 50 मेरे 50 आपके, ठीक है। अरे भाई लोग, मेरे को अर्जेंट 1,00,000 रुपए सही है, कोई ऐसा तरीका बताओ ना जल्दी से पैसे कमाने का। भाई ठीक है चल, 1 नंबर का तरीका चाहिए या 2 नंबर का बता, पहले 1 नंबर का बताओ। और एक काम कर, KBCD में चले जा, अपनी जान पहचान है, 13 नंबर आ जाएंगे पहले। ठीक है बाबू, के लिए तो मैं KBCD में जाएगा सोला। और ये बॉट अपने माँ बाप के लिए तो कुछ करता नहीं, और अपनी बाबू के लिए यहाँ वहाँ मुंह मारेगा। तो गाइस मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, फिर आप भूल जाते हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि उससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है KBCD में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिप हॉप जी। हिप हॉप जी तैयार है खेला खेलने के लिए, तो मैं आपको नियम समझा ही देता हूँ। माइकल बच्चन जी, नियम को मारो गोली, मेरे को लेट हो रहा है, आप पहला प्रश्न पूछिए। ठीक है श्रीमान, तो पहला प्रश्न ये रहा, 1,000 रुपयों के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन सी ऐसी यूट्यूब चैनल है जिनके मालिक का नाम ना ही हैक्सन है ना ही तो वो उतने प्रो है, फिर भी उनकी चैनल का नाम उस प्रकार का है। अब ई लो इनके ऑप्शंस, माइकल प्रो गेमिंग, माइकल जैक्सन प्रो गेमिंग, एक्शन प्रो गेमिंग, या फिर प्रो एक्शन गेमिंग। बाबू मोसाय, पहला प्रश्न ही आपने बहुत कठिन पूछ लिया। हाँ गाइस, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर देना, सही आंसर देने वाले को मिलेगा फियरलेस मैन की तरफ से एक हार। और सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा, 50-50। ठीक है तो कंप्यूटर जी, 2 गलत ऑप्शनों को हटा दीजिए।
अरे बाबू मसाई, अब तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइकल जैक्सन प्रो गेमिंग। लॉक कर दीजिए। अभिनंदन हिपॉप जी, ये सही उत्तर है। आप जीतते हैं 1000 रुपयों की धन राशि। अब दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आसमान में कितने तारे होते हैं? ऑप्शन के बिना बताइए। अरे यार, ये क्या बात हुई, ये तो फालतू क्वेश्चन है। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, फ्लिप द क्वेश्चन। ओके तो कंप्यूटर जी, प्रश्न बदल दीजिए। नए प्रश्न में आपका ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, उसे सुन के बताना है कि ये किस यूट्यूबर की आवाज है। मेरे जिगर के छल्लो, मेरा आवाज केबीसीडी में आ रहा है, तो पहचानो मैं कौन हूँ। लो अब ऑप्शन 3 तूफानी टिप्स, टिप्स फॉर 3 तूफान, 3 पनीर तूफानी टिप्स, या फिर टिप्स फॉर पनीर तूफानी। अरे सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, फोन अ फ्रेंड। ये पनीर वनीर का क्रिमिनल को पता होता है, तो उसे कॉल लगाइए। ठीक है कंप्यूटर जी, बदनाम रेड क्रिमिनल को कॉल लगाइए। हाँ कौन बोल रहा है? पोको, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। श्रीमान, मैं माइकल बच्चन बोल रहा हूँ केबीसीडी से। आपके मित्र हिपू को आपकी जरूरत है, उनकी मदद कीजिए। अच्छा तो उसको क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है मैं आंसर दे दूंगा, पर बदले में जीते हुए पैसों का 50% मुझे चाहिए। अरे घर में जा नुबड़े, सर छोड़ो इसे, मैं दूसरी लाइफलाइन लेना चाहूंगा, एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है श्रीमान, तो आज के हमारे एक्सपर्ट है रेड क्रिमिनल जी। रेड क्रिमिनल जी स्क्रीन पे आइए। बाबू मोसा, ये क्या बात हुई, ये नुबड़ा तो फिर से आ गया। देख हिपू, मैं बता रहा हूँ, इस बार मेरे अलावा तेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, तो 40% दे दे, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है दिया, चल जल्दी आंसर बता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टिप्स फॉर पनीर तूफानी। माइकल बच्चन जी, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। ठीक है कंप्यूटर जी, तो ऑप्शन डी को ताला मार दो। ओम फो, ये तो गलत उत्तर है। हिपू जी, अब आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कृपया करके अब यहाँ से दफा हो जाइए। अरे सुन भाई, वो सामने से बकरा आ रहा है, उसे लपेटे में लेते हैं। अरे बाबू मोसाई, अब क्या करूँ, केबीसीडी में तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं जीत पाया, अब मेरे बाबू को मैं कैसे आईफोन दिला पाऊंगा। अरे ब्रो, तुझे पैसा चाहिए क्या? तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, मिल जाएगा पैसा। अरे बाबू मोसाई, पैसा तो चाहिए मेरे को, बोलो क्या करना पड़ेगा। फेक नूब ऐप को प्रमोट कर दो, तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। अरे पर मैंने सुना है ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता ब्रो, इसने भी किया है, तू भी कर दे। हाँ मैंने भी 2 बार किया है, तू भी कर दे, वैसे भी तुझे 1,00,000 रुपए कौन देगा। बात में तो दम है। ठीक है चलो। ठीक है ये ले, मैं तुझे स्क्रिप्ट देता हूँ, इसमें जो लिखा है वो तू फड़ के बोल दे। अरे यार, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, अपने हिसाब से बोल देता हूँ, वैसे भी मुझे पता है इसमें क्या होता है। अरे इतना क्या सोच रहा है, चल बोल दे। गाइस, मैं आज आपको एक बकवास ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो www.faknoobapp.com से। इसे डाउनलोड करते ही आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वायरल हो जाएगी, जैसे कि आपकी बाबू का नंबर, और बाबू ना हो तो क्रॉस का नंबर, और जो आपने वो गैलरी में प्राइवेट फोटो छुपा के रखे है ना, हाँ वही वाले, वो भी हमें मिल जाएंगे। तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, और रजिस्टर करते ही 50 रुपए मिल जाएंगे आपको, नहीं मुझे। चल भाई, हो गया तेरा काम, अब मेरे को मेरा पैसा दे। अरे तू वही बोला है ना जो स्क्रिप्ट में लिखा था। हाँ ब्रो, मैं वही बोला जो स्क्रिप्ट में था, सेम टू सेम। अरे भाई लोग, वो रहा फेक ऐप वाला, चलो पकड़ते हैं साले को। अरे वो ससुरे तो यहाँ भी पहुँच गए, अभी हमको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। नुबड़े तन्ने शर्म ना आवे, पैसों के लिए बिक गयो। अरे यार सॉरी भाई, मेरे से भारी मिस्टेक हो गया, मेरे को पता नहीं था पहले, वरना मैं नहीं करता, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, प्लीज मेरे को माफ कर दो। ठीक से चल, थन्ने माफ कियो, आगे से ऐसी गलती होनी ना चाहिए। चलो अब मैं चलता हूँ, हाहा ये तो कितना आसान था, अब मैं मेरे बाबू को आईफोन दिलाऊंगा। अरे नुबड़े रुक जा भाई। भैया जी, उसके पास से पैसा ले लो। हाँ भाई, बुद्धू समझ रिया से के ये पैसा ना मिलेगो थारे को। अरे यार, ये तो पैसा लेके चला गया, अब मैं मेरे बाबू को आईफोन नहीं दिला पाऊंगा, और अगर मैं नहीं दिला पाया तो वो मेरे से ब्रेकअप कर लेगी।